देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को होल देख रहा है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। लेकिन आप लिए ये देखिए, हमारे भारत के लोग 500 वर्ष पुराने पहले ही मोबाइल का, मतलब एक प्रकार का कह लीजिए मोबाइल जुगाड़ कह लीजिए या मोबाइल ही कह लीजिए, मोबाइल का आविष्कार कर चुके थे। ये देखिए, राजा मानसिंह के किले में ये बनाया गया है, ये मोबाइल के लिए, मतलब आवाज़ जाने के लिए। किला बहुत दूरी है, गुजरी महल देखे होंगे आप लोग, आए होंगे तो यहाँ पे गुजरी महल बहुत ही दूर है, लेकिन जब गुजरी महल से कनेक्ट हुआ करती थी ये पूरा, यहाँ से कोई आवाज़ जा, राजा लोग मैसेज किया करते थे और वहाँ से रानी लोग मैसेज पढ़ के अब जवाब दिया करती थी। तो ये देखिए कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है, और ये हमारे भारत का इतिहास है, कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है और इसके बारे में नहीं बताया गया है लोगों को। ये देखिए कितने, ये मोबाइल ही कह लीजिए एक प्रकार के, पहले के आवाज़ जाने के लिए बनाई गई थी सुविधा। ये देखिए कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है। तो देखिए हम लोग किले के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और चढ़ाई करने से देखिए ये कैसा अद्भुत तरीके से बनाया गया है, विशाल तरीके से पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे चढ़ रहे हैं हम लोग इस किले के ऊपर, तो चलिए चढ़ते हैं, और ये बहुत विशाल है। हम लोग किले से एंट्री करते हुए आ गए हैं, और इसके अंदर खंगोलेंगे किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आते ही यहाँ पे तोपे देखने को मिलती है, एक तोप है और ये दूसरी तोप है, फिर देखिए यहाँ यहाँ पे यहाँ पे दूसरी तोप है। ये देखिए देख सकते हैं आप लोग कितने अद्भुत तरीके से धरी हुई है यहाँ पे, पहले गेट के चारों फ्रंट में रखी हुई थी, चारों तरफ रखी रहती है ये तोपे, अभी है नहीं फिलहाल में, दो ही है। देखिए वन दूसरी वाली तोप है, और ये चारों तरफ किले की निगरानी के लिए धरी रहती रही। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग, ये किले हैं, इसके अंदर जानेंगे खगोलेंगे क्या क्या है इसके अंदर, और यहाँ बताया जाता है 500 साल पुराना फोन भी है। देखिए इसी के अंदर हम लोग जाने वाले इस महल के अंदर, और देखिए यहाँ पे मानसिंह के महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और इसमें चार तल बने हुए हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके, और हम इसी के अंदर जाने वाले हैं द्वारा स्थापित किया गया था तोमर राजा मानसिंह तोमर द्वारा। चलिए इसी के अंदर जाने वाले हैं इस फोर्ट के बारे में, और अंदर देखेंगे क्या क्या है, चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अंदर हम जरूर जाने वाले हैं, और दो तह ऊपर है और दो तलघड़े टाइप के बने हुए हैं, तो तलघड़े के अंदर भी जाएंगे,
और ऊपर भी आएंगे सभी, चाहे आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे इस महल के बारे में, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया अद्भुत महल के बारे में। और यहाँ पे बहुत सारे आक्रमणकारी आए समय समय पर जिन्होंने आक्रमण किया, लेकिन इस महल को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँची क्योंकि ये पहाड़ में था। लेकिन बहुत से लोगों ने, राजाओं ने राज किया यहाँ पे, एक से बढ़ के एक राजाओं ने यहाँ पे, मुगल जैसे राजा भी, औरंगजेब भी आए थे यहाँ पे, औरंगजेब भी। और ये देखिए ये गेट है और इसी के अंदर हम लोग जाएंगे। देखिए आते हैं हम लोग जा रहे हैं इसी जंगल। देखिए हम लोग आ गए हैं इस महल के अंदर। महल में आते ही देखिए ये रूम है और हर रूम का अलग इतिहास है, हर चैम्बर का अलग इतिहास है और अलग हर हर चैम्बर में अलग अलग चीजें होती थी। तो ये चैम्बर देखा था, इस चैम्बर है तो इस चैम्बर में संगीत हुआ करता था। जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे संगीत होता था, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे संगीत हुआ करता था और यहाँ पे रानियां बैठा थी और राजा मानसिंह के घराने में पर्दा चलता था तो जितने की कोई देख ना पाए रानियों के लिए। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि रानियां जब देख सकती थी संगीत का भरपूर मजा ले सकती थी, अन्यथा कोई उनके चेहरे को नहीं देख सकता था। उनके घराने में ये पता चलती थी कि उनके पता चलता था कि उनके देख नहीं पाते थे। तो ये देखिए और ये देखिए प्लम प्लम का बना हुआ है और लगता है कि एक तरीके से बना हुआ है लेकिन इसमें अलग अलग निर्माण किया गया है। ये अलग है और ये अलग, पूरे अलग अलग तरीके से बनाया गया है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सब एक ही तरीके से बनाया गया। देखिए कैसे अलग अलग तरीके से बना हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप लोग ये। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 चैम्बर मतलब बैठे की ये रानी के लिए अलग अलग है, हर एक रानी हर एक उसमें बैठा करती थी। तो ये 9 बने हुए और हम जानने वाले हैं ये देखिए जहाँ दीवाने आम, ये दीवाने आम है। अरे ये तो ये दीवाने आम है, देखिए आप लोग आ सकते हैं। देखिए आप पूरी तरह से आके दिखा देते हैं आप लोग दीवाने आम को कैसा लगता है। दीवाने आम ये देखिए दीवाने आम यहाँ पे राजा जी बैठा करते थे। यहाँ देखिए यहाँ पे ये तरफ आ गई तो ये देखिए यहाँ पे राजा बैठते थे ऊपर, देख रहा होगा आप लोगों को यहाँ नहीं वो ऊपर ऊपर बैठते थे और यहाँ पे रानी बैठती थी, यहाँ पे राजा बैठते थे, इस तरफ बैठते थे यहाँ पे। हाँ यही ये जो आप सामने देखा और पीछे यहाँ पे राजा बैठते थे ऊपर साइड, यहाँ पे छत गया ऊपर साइड और ये देखिए रानी बैठा करती थी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रानियां थी और मैगनैनी को भी बुलाया जाता था। मैगनैनी उनकी प्रेम मतलब उन सबसे ज्यादा प्यार करते थे उन्हें, उस रानी को मैगनैनी। और देखिए 9 चैम्बर है बता दिए ना। और ये देखिए सिंबल, ये सिंबल देखा है आपको, ये देखिए ये देखिए हमारा भारतीय सिंबल है तिरंगा, ये उनके जमाने में सिंबल होते थे। ये देखिए ये सिंबल है और ये देखिए एक ये सिंबल है मोर का, ये खुशी को लिए दर्शाता है, खुशी के लिए दर्शाता है। जब कोई फेस्टिवल टाइप का होता था ना ये सिंबल लगाते थे और ये उनका घराने का सिंबल है आप लोग देख सकते हैं। और जब लड़ाइयाँ की जाती थी, जो लड़ाइयाँ की जाती थी ये सिंबल देख सकते हैं आप लोग, ये सिंबल उन लड़ाइयों के लिए लगाई जाती थी। और आप लोगों को दिखाते हैं ये सिंबल और ये बनाया गया है। और ये देखिए इसी के नाम से ही इस महल का नाम पड़ा है। तो हम लोगों ने इसके बारे में बता दिया है। हम लोग जाने वाले सेकंड चैम्बर में, ये देखिए जहाँ डांसिंग क्लब था। चलिए चलते हैं और ये देखिए सब लिहाज है कि कलाकृति की लगी हुई है, अलग अलग कलाकृति भी है। और ये देखिए अंदर जाने का रूम है, जो चैम्बर है ना चार भाग में डिवाइड है। तो ये जाने का है हमें इसके बारे में, देखिए ये डांसिंग क्लब है। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे ही डांस हुआ करता था, डांसिंग क्लब है, यहाँ पे ही डांस होता रहा। और यहाँ पे और जब रिफ्लेक्स पड़ता था उनके मतलब यहाँ पे डांस करती थी लेडी तो उनके पास डायरेक्ट जाके रिफ्लेक्स पड़ता था तो चमकता था। तो ये डांसिंग क्लब है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हर तरीके बनाया गया है। चारों तरफ से लाइटिंग की सुविधा बनाई गई हुई थी, डांसिंग के अलावा ये बैठने की सुविधा भी है ऊपर साइड, ये यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग। ग्वालियर का किला ही बचता है, ये भूल भुलैया है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं,
थर्ड चैम्बर में। ये देखिए हम पहुंचने वाले थर्ड चैम्बर में, जहां रानी और राजा लोग बैठते थे झूले डाल के। तो यही है चैम्बर, हम लोग आ गए हैं और देख सकते हैं आप लोग। और ही देखिए यही चैम्बर है, देखिए यहाँ पे लगता था झूला और यहीं राजा रानी लोग बैठा करती थी। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को हॉल देख रहे हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, लेकिन आप लिए ये देखिए हमारे भारत के लोग 500 वर्ष पुराने पहले ही मोबाइल का मतलब एक प्रकार का कह लीजिए मोबाइल जुगाड़ कह लीजिए या मोबाइल ही कह लीजिए, मोबाइल का आविष्कार कर चुके थे। ये देखिए राजा मानसिंह के किले में ये बनाया गया है, ये मोबाइल के लिए मतलब आवाज जाने के लिए। किला बहुत दूरी है, गुजरी महल देखे होंगे आप लोग आए होंगे तो यहाँ पे गुजरी महल बहुत ही दूर है, लेकिन जब गुजरी महल से कनेक्ट हुआ करती थी ये पूरा, यहाँ से कोई आवाज़ जा राजा लोग मैसेज किया करते थे और वहाँ से रानी लोग मैसेज पढ़ के अब जवाब दिया करती थी। तो ये देखिए कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है और ये हमारे भारत का इतिहास है, कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है और इसके बारे में नहीं बताया गया है लोगों को। ये देखिए कितने ये मोबाइल ही कह लीजिए एक प्रकार के पहले के आवाज़ जाने के लिए बनाई गई थी सुविधा। ये देखिए कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है पूरा महल और अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया हुआ ये। और देखिए ये सोचने वाली बात है कि अपने भारत के लोगों ने कितना जुगाड़ किया हुआ था पहले भी ज़माने में, और ये सुंदर कलाकृति बनी हुई है, कैसे अद्भुत तरीके से पूरा महल बनाया गया है। और ये देखिए चारों तरफ अधिक अति सुंदरी डिजाइन की हुई है चारों तरफ, आप लोगों को अंधेला नजर होगा, भूल भुलैया ये किला है। तो क्योंकि हम लोग अंदर तलघाड़ी में घुसे हैं तो भूल भुलैया है, तो आप लोग को देख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइटिंग की सुविधा कम ही है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग पीछे मेरी साइड। तो हम लोग जाने वाले हैं चौथे फ्लोर में लास्ट वाले में, और वहाँ अभी स्विमिंग पूल बनवा दिया, स्विमिंग पूल था पहले और अब बंद कर दिया गया, थोड़ा सा खुला है जो कि हम लोग इस पर दिखा देंगे, यही जाने का रास्ता है शायद। हाँ तो अब जा रहे हैं हम चौथे फ्लोर में। जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने वहां तोड़वा के और कुछ बनवा दिया था। आराम आराम जाना पड़ेगा, बहुत रिस्क भी है। ये देखिए हम आ गए हैं चौथे फ्लोर में। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हल्की हल्की लाइटिंग की सुविधा है, लेकिन उस जमाने में कैसी लाइटिंग की सुविधा की जाती थी यहाँ पे बता देते हैं। ये देखिए बग देख बग देखा है आप लोगों को, ये देखिए देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ ऐसे ही लाइटिंग के लिए सुविधा बनाई गई थी। और इसमें भी झूले चौथे फ्लोर में भी झूले की सुविधा थी और यहाँ पे पूल बना हुआ था। देखिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है अभी क्योंकि यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पे देखने आते हैं टूरिस्ट लोग तो गिर जाते थे, इसीलिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है। चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पे आवाज घूमती है बहुत ही, देखिए चारों तरफ से बनाया गया है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे चमगादड़ भी हैं। और ये देखिए अब हम जाने वाले हैं जहाँ मुगल आए थे, तो मुगल लोगों ने यहाँ के राजा को हरा करके यहीं ये मंदिर था, तो पहले मंदिर था तो मंदिर को हटवा दिया और यहीं पे कैद करवा दिया राजा लोगों को। दिखाते हैं ये कैसा बना है, चलिए अंदर चलते इसके सीधे अंदर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्लाट है, यहाँ पे शिवलिंग था भगवान की पूजा होती थी। और लेकिन इसके बाद जब औरंगजेब आया मतलब औरंगजेब ने मुगल आई मुगल काल में, तो यहाँ पर अमर राजाओं को कैद किया हुआ था इसमें, ये जेल है, ये जेल है, जेल में बंदी, हाँ इसी में बंदी किया हुआ था, ये जेल में बंद कैदी है, हाँ बाबर राजा यहाँ पे कैद हुई थी एक साथ है।
को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में किले के बारे में जरूर लिखिए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए आप लोग, हम क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।